इकोना पुलिस ने कस्बे में चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों के किए ई चालान, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस कर्मियों ने अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्जनों वाहनों का ई चालान किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सभी वाहनों को रोककर उनके चालान किए गए जिससे वाहन स्वामियों में हड़कंप दिखाई पड़ा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर उप जिलाधिकारी इकोना को सौंपा ज्ञापन। इकोना तहसील का यह मामला जहां पर अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर SDM को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता पर किए गए हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रीधर द्विवेदी, सुरेंद्र कुमार, एडवोकेट राम कुमार शुक्ला, पाटेश्री प्रसाद मिश्रा, विनोद यादव, आशुतोष पाठक, ज्ञान गौरव वर्मा, गौरव शर्मा, राकेश पांडे, उदयराज त्रिपाठी, संजय सिंह, के श्रीवास्तव, बंसराज शुक्ला, रामनारायण पाल, जयप्रकाश मिश्रा, सुधीर शुक्ला, पंकज सैनी, राजकुमार शुक्ला, पवन यादव सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कोना को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की। इकोना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व एक कार की गई बरामद। सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को इकोना पुलिस ने भेजा जेल। थाना क्षेत्र इकोना इलाके का पूरा मामला है जहां पर इकोना पुलिस ने 3 व्यक्तियों को जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तमंचा व कार बरामद की गई है और सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। इकोना CSC में अधीक्षक के नेतृत्व में हुई टीकाकरण समीक्षा बैठक। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें जहां पर CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 1 जून से लेकर 15 जून तक कितने टीके लगाए गए इसके बारे में प्रगति रिपोर्ट पर जांच की गई और बात हुई। वहीं इकोना इलाके में भी लगातार राप्ती नदी में बाढ़ की स्थिति नजर आती है। इकोना इलाके के मलोना खसियारी की ये तस्वीरें हैं जहां पर राप्ती नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों की परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और लोग अपने खेतों तक जाने के लिए जानलेवा रास्ता पार करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इकोना इलाके के मलोना खसियारी की ये तस्वीरें।